हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उदय ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास, तो स्टूडेंट संसाधन जो हमारे लिए महत्व रखते हैं वो सभी संसाधन हैं, इसको हम लोग क्लास 8 से पढ़ते आए हैं और इसके बारे में जानेंगे। तो संसाधन जो हमारे महत्व की है, जो हमारे लिए जरूरी है, वो सभी चीजें संसाधन कहलाती है। एक छोटा सा बटन से लेकर बड़ा एक घर मकान या पूरा दुनिया जो है हमारे लिए संसाधन है। और इस संसाधन का विकास काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज हम पढ़ने वाले हैं संसाधन एवं विकास। अब देखिए स्टूडेंट, लकड़ी हमारे लिए संसाधन है और इसका विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना इसका विकास होगा उतना ही ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होते जाएगी। जैसे सिंपली अगर लकड़ी का हम लोग अगर केवल एक बेड बना देते हैं, ठीक है, तो उतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता। लेकिन उसी का अगर आप, ठीक है, अलमीरा बना देते हैं, ठीक है, सोफा बना देते हैं, तो आपको और ज्यादा पैसा मिलता है। तो इसी तरह से हर संसाधनों का हम लोग जितना ज्यादा विकास करेंगे उतना ही वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और जिन बातों की जरूरत होगी स्टूडेंट्स को अलग से बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है बहुवैकल्पिक प्रश्न। बहुवैकल्पिक प्रश्न, तो बहुवैकल्पिक प्रश्न में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है कि लोह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। आपको चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन ध्यान देना है, डायरेक्ट हम लोग देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है, उसको हम लोग समझ के याद कर लेंगे स्टूडेंट। तो लोह अयस्क, लोह अयस्क वह होता है जिससे हम लोहे की वस्तुएं बनती है, आपके चारों जैसे बेंच, खिड़की, दरवाजा, ये सब लोहे की बनी हुई है। और ये लोहा से पहले जमीन में पाए जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लोह अयस्क। और यह किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन, क्योंकि एक बार इसका इस्तेमाल होने के बाद इसकी क्वांटिटी में क्या आती जाती है, कमी, ठीक है। और निरंतर अगर हम लोग इसका उपयोग करते जाएं स्टूडेंट, तो धीरे धीरे इसकी मात्रा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, इसीलिए यह है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। दूसरा स्टूडेंट, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो ज्वारीय ऊर्जा यानी समुद्र या समुद्र महासागर की जब जल की धाराएं ऊपर उठती है और गिरती है, इसी ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, जिसे हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। अब ये जो ज्वारीय ऊर्जा है, ये जो घटना हो रही है जल की धाराओं का उठना और गिरना, क्या स्टूडेंट ये कभी रुकता है, नहीं, ये निरंतर होते रहती है। तो इस ऊर्जा को हम बार बार पा सकते हैं, यानी पुनः पूर्ति योग्य है। कैसा स्टूडेंट, पुनः पूर्ति योग्य है। तीसरा क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है। आपको पता होगा क्लास 9 में पढ़े होंगे हरित क्रांति सबसे पहले कहां आई थी, पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब में जब हरित क्रांति आई स्टूडेंट, तो अधिक खेती होने लगा और खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, अधिक जल का उपयोग किया गया। और अधिक जब जल का उपयोग किया गया तो मृदा की जो ऊपरी परत में ह्यूमस पाई जाती है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि वो बहने लगी, ठीक है स्टूडेंट। निम्नीकरण का अर्थ होता है क्वालिटी में कमी आना, क्वालिटी में कमी आना, ठीक है, मतलब उसकी गुणवत्ता में कमी आना, मतलब अब उस भूमि में उतना ज्यादा फसल उत्पन्न नहीं होगी या उतने अधिक जीव छोटे छोटे सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाएंगे जितने पहले थे। तो गुणवत्ता, निम्नीकरण का अर्थ होता है गुणवत्ता में कमी। तो इसका मुख्य कारण था अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार
है ना, खेती सीढ़ीदार। जब पहाड़ होते हैं स्टूडेंट, तो पहाड़ में क्या होते हैं, अगर बारिश हुआ या आप सिंचाई करते हैं तो क्या होगा कि बारिश या आप पानी इस तरह से भी देते हैं तो वह ढलाओं की मदद से नीचे आ जाएगा और पेड़ को पानी नहीं मिलेगा या फसल को पानी नहीं मिलेगा। तो उसे मिल सके इसलिए उस पहाड़ को काट कर सीढ़ीदार बना दी जाती है, ठीक है, ताकि उस पर खेती की जा सके। जैसे एक लेवल हुआ, फिर नीचे आता है स्टूडेंट, फिर एक लेवल बनता है, तो अब उस पर खेती करेंगे तो जल की धारा का जो तीव्रता उसमें कमी आएगी, जिसके कारण आप फसल लगाए हो या पौधे लगाए हो या पेड़ लगाए हो वो अच्छा से सिंचाई हो सकता है, ठीक है, और मृदा अपरदन को भी रोकती है। तो ये चीज जो है सबसे ज्यादा आपको मिलेगा उत्तरांचल में, चार ऑप्शन थे स्टूडेंट तो बताना था, तो उत्तरांचल। आगे देखते हैं किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, चार ऑप्शन था उसमें आपका सही था गुजरात, ठीक है। काली मृदा जो कपास के लिए काफी उपयुक्त होती है, जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू जो है स्टूडेंट, आपको 30 शब्दों में उत्तर देने हैं, ठीक है, ज्यादा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एग्जाम में लिखने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, तीन राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। तीन राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो स्टूडेंट आपको तो पता ही होगा काली मृदा जो है कपास के लिए उपयुक्त होती है, यानी परफेक्ट होता है स्टूडेंट, और इस पे काली मृदा पर आप सबसे अच्छा फसल जो उगता वही कपास है। और आप जानते हैं इस कपास का उपयोग हम लोग सूती वस्त्र के निर्माण में करते हैं। तो आंसर है स्टूडेंट कि भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। तो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की तीन मुख्य विशेषताएं क्या है। तो स्टूडेंट कहता है पूर्वी तट, तो जैसा कि इंडिया का मैप में हम जानते हैं पूर्वी तट यानी जो इधर आगे पूरा इधर हो जाता है स्टूडेंट पश्चिम, तो ये जो आप देख रहे हैं पूर्वी तट, तो कह रहा है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं, तो आपको पता है कि नदी जब बहती है और अपने तट की ओर आती है तो वहां पर अपने द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा का अर्थ है ना जल के साथ आने वाली मृदा, तो जलोढ़ मृदा का नदी घाटी के किनारे जो है निक्षेपण होता है, तो निक्षेपण होता है और उसी से निर्माण होता है डेल्टाओं का। तो क्वेश्चन स्टूडेंट की पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तभी तो बताया जलोढ़ मृदा। इस प्रकार की मृदा के तीन मुख्य विशेषताएं लिखे, तो हमें बताना होगा कि इस जलोढ़ मृदा की तीन मुख्य विशेषताएं। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं उत्तर। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मृदा का विस्तार स्टूडेंट, इस मृदा का विस्तार कावेरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, सभी नदियां यही है स्टूडेंट, देखिए है ना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये सभी पूर्वी तट की नदियां हैं, पूर्वी तट में बहती है भारत की, और इन्हीं नदियों से जो डेल्टा बने हैं उन प्रदेशों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा की विशेषताएं, ये मृदा बहुत उपजाऊ होती है, इसमें पोटाश, फॉस्फोरस तथा चूना होता है, ये तत्व गन्ने, गेहूं, चावल तथा अन्य अनाजों को उपजाऊ बनाता है। तो आपको पता होगा स्टूडेंट
कि इसमें कहा जा रहा पोटास, फास्फोरस, चूना, ये सभी पोषक तत्व हैं और ये किसी भी फसल के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। इसमें आपका मुख्य रूप से गन्ना, गेहूं, चावल की खेती करते हैं तो अच्छा से वो उपज होगी। आगे बोलता है स्टूडेंट कि इस मृदा में रेत, सिल्ट तथा मृत्तिका होती है। रेत यानी स्टूडेंट बालू के कण, ठीक है, बालू होते हैं। सिल्ट उसमें चमकदार देखे होंगे और पतले पतले होते हैं बालू में, तो सिल्ट तथा मृत्तिका उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव, कीटाणु, जीवाणु रहते हैं जो उसमें मरे हुए उसके अंश होते हैं, और ये सभी चीजें उस मृदा को और उपजाऊ बनाती है। तो और उपजाऊ बनाती स्टूडेंट, अब बात यह है कि ये जो मृदा है आयु के आधार पर दो प्रकार की होती है। देखिए स्टूडेंट, अगर ये जलोढ़ मृदा आपका नया नया है तो कहलाएगा खादर, ठीक है। अजलोढ़ मृदा अगर उसका निक्षेपण पुराना हो चुका है तो कहलाएगा बांगर, जिसके बारे में हम क्लास 9 में पढ़ भी चुके हैं। तो ये हुआ स्टूडेंट, अब सिंपल सी बात है, अब एक नया मृदा है ना आपका खादर, और पुराना है आपका बांगर। तो यहां पर याद रखिए, तो ज्यादा एनर्जी किसमें होगी, नया, ठीक है। तो नए युवा जैसे होते हैं तो उनमें ज्यादा एनर्जी होती है। इसी तरह से नए जलोढ़ मृदा यानी कि जो खादर है उसमें ज्यादा उपजाऊपन होता है। तो ये लिखा हुआ स्टूडेंट कि खादर मृदा बांगर मृदा से ज्यादा उपजाऊ होती है। तो स्टूडेंट, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे उदय ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट आगे के क्वेश्चन को, तब तक आप इसे कंप्लीट करें ताकि आगे आपको अच्छा से समझ में आ